बता दें आपको बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में सुबह 11 बजे तक 24.25% वोटिंग हुई है। आरा में सुबह 11 बजे तक 21.19% वोटिंग हुई है। बक्सर में सुबह 11 बजे तक 25.89% मतदान हुआ है और वही जहानाबाद में सुबह 8 बजे तक 27.09% वोटिंग हुई है और काराकाट में सुबह 11 बजे तक 27.92% वोटिंग हुई है। तो वहीं अगर बात नालंदा की जाए तो बता दें आपको नालंदा में सुबह 11 बजे तक 24.30% वोटिंग हुई है और पाटलिपुत्र में सुबह 11 बजे तक 27.38% मतदान हुआ है। पटना साहिब में सुबह 11 बजे तक 19.33% वोटिंग हुई है और सासाराम में सुबह 11 बजे तक 22.09% मतदान हुआ है। और बता दें आपको 2024 का महारण देख रहे हैं और ऐसे में लगातार आज बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और सभी पार्टियां अपने और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सुबह 11 बजे तक कहां पर कितनी फीसदी वोटिंग हुई है। और सबसे पहले हम आरा की बात कर लेते हैं। आरा में सुबह 11 बजे तक 21.19% मतदान हुआ है और वही बक्सर में सुबह 11 बजे तक 25.89% मतदान हुआ है और सुबह से सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही जहानाबाद में सुबह 11 बजे तक 27.09% मतदान हुआ है। ये आपको सुबह 11 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां पर सुबह 11 बजे तक कितनी फीसदी वोटिंग हुई है और वही काराकाट में सुबह 11 बजे तक 27.92% मतदान हुआ है। और नालंदा में बता दें आपको नालंदा में सुबह 11 बजे तक 24.30% मतदान हुआ है और ऐसे में आपको बता रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए सुबह 11 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं। पाटलिपुत्र में सुबह 11 बजे तक 27.38% मतदान हुआ है और पटना साहिब में सुबह 11 बजे तक 19.33% वोटिंग हुई है। बिहार की 8 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में सासाराम में सुबह 11 बजे तक 22.09% मतदान हुआ है।